क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई की वैल्यू जो आपने प्रूव करनी है वो टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन टेन एक्स माइनस टेन वाई प्रूव करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो आप, साइन ए प्लस बी का आपको कल फॉर्मूला पढ़ाया था, साइन ए प्लस बी होता है बेटा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। नीचे आप फॉर्मूला लगाओगे साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, यहाँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, नीचे साइन ए माइनस बी का, तो यहाँ माइनस कर दिया। अब चारों टर्म को आपने कोस एक्स कोस वाई से डिवाइड करना है बेटा, डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कोस एक्स कोस वाई से आपने डिवाइड कर दिया, कोस एक्स कोस वाई से डिवाइड कर दिया, कोस एक्स कोस वाई से डिवाइड कर दिया। देखिए यहाँ साइन एक्स सॉरी कोस वाई कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या बच गया आपका टेन एक्स हो गया, प्लस यहाँ देखिए आप कोस एक्स से कोस एक्स कटेगा तो साइन वाई अपॉन कोस वाई टेन वाई हो गया अपॉन, यहाँ कोस वाई कैंसिल हो गया तो ये टेन एक्स आ जाएगा और माइनस यहाँ कोस एक्स कैंसिल हो गया तो साइन वाई अपॉन कोस वाई क्या आ गया टेन वाई हो गई, आपकी क्या आ गई बेटा राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसी तरह यहाँ भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 8 को जब सोल्व करते हैं यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला में यहां माइनस आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। नीचे आप फॉर्मूला लगाओ कोस ए प्लस बी का तो ये होता है कोस ए कोस बी प्लस है तो यहां माइनस आएगा माइनस साइन ए साइन बी। अब कोस ए माइनस बी का लगाते हैं फॉर्मूला तो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर